आज का बाइंग गाइड थोड़ा हटके होने वाला है। जब से पिक्सल 6 से इंडिया में आया, हर तरफ एक ही लाइन सुनने को मिला, ओवर प्राइज्ड है यार। पिक्सल 6 से जिसकी प्राइस 43,990 है, पिक्सल 4 ए से 11,000 रुपए ज्यादा है। कैमरा डिपार्टमेंट में तो पिक्सल 6 ए का कोई कंपटीशन नहीं है, बट ऑनेस्टली हार्डवेयर फ्रंट पर इससे बेहतर ऑप्शंस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 5 ऐसे फोन्स की जो मेरे हिसाब से पिक्सल 6 ए के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इस वीडियो को मेरे साथ। iPhone SE 2022 पिक्सल 6 ए से सस्ता है। क्यों चौंक गए कि iPhone भी कभी सस्ता हो सकता है? यस, है भी। सो iPhone 2022 जिसकी प्राइस iPhone SE 2022 जिसकी प्राइस 43,900 रुपीज़ है फॉर 64 GB स्टोरेज, हालांकि एक पुराने और आउटडेटेड डिज़ाइन के साथ आता है, बट स्पेशली अभी भी इसका जो हाईलाइट है वो है इसका टच आईडी। एंड आज भी काफ़ी सारे लोगों को वो पुराना डिज़ाइन विद टच आईडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप खोज रहे हो एक बहुत कॉम्पैक्ट सा पॉकेट फ्रेंडली फ़ोन, देन आई वुड से कि आपको iPhone SE लेना चाहिए। इसमें A15 बायोनिक चिप है जो आपको iPhone 13 में भी मिलता है, अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिप है। ऑल्सो कैमरा डिपार्टमेंट में भी SE काफ़ी बेहतर है। अगेन मैं वापस दोहराना चाहूँगी कि जिन लोगों को एक कॉम्पैक्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली फ़ोन की तलाश है, तो आपको iPhone SE 2022 लेना चाहिए। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक सोच रहे हैं एक आईफोन लेने का, या फिर एक बिग टाइम एप्पल फैन है, तो आपके लिए iPhone SE 2022 इज़ योर आंसर। सो चलो देखते हैं कि दूसरा फ़ोन कौन सा है। कुछ नहीं फोन यानी कि नथिंग फोन 1 उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए एंड साथ ही डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यूनिक चाहते हैं, बिकॉज नथिंग फोन 1 इज ऑल अबाउट यूनिकनेस। इसका जो ट्रांसपेरेंट बैक पैनल है विद LED डिजाइन जो है दिया हुआ है, आपने देखा ही होगा, क्योंकि इसके जो चर्चे हैं, इसकी जो हाइप है, हमने हर तरफ देखी है। तो उसे आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, कूल राइट? और तो सिर्फ डिजाइन ही नहीं, इसका जो कैमरा डिपार्टमेंट है वो भी काफी अच्छा है, वेरियस लाइट कंडीशंस में डिसेंट फोटोग्राफी करता है। देखो मैंने मुद्दे की बात तो की नहीं, इसकी जो प्राइस है वो 33,000 से स्टार्ट होती है फॉर इट्स बेस वेरिएंट 8 GB रैम। ऑल्सो वापस से दोहराना चाहूंगी कि ये फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नथिंग का सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है, तो यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। ऑल्सो ये फोन उन लोगों के लिए भी बहुत सही है जिनका बजट काफ़ी टाइट है एंड वो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में ही एक फोन खोज रहे हैं। सो आप ये फोन ले सकते हो। अच्छा, आपको ये फोन पसंद नहीं आया, तो चलो देखते हैं तीसरा फोन कौन सा है। अगर आप किसी भी सेगमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस, तो iQOO 90 इज योर आंसर। ये जो फ्लैगशिप डिवाइस है, इसकी प्राइस हालांकि पिक्सल 6 से ज्यादा है, इट्स 50,000 रुपीज, लेकिन अगर आप 45,000 तक स्पेंड करने को तैयार हो, तो मेरे हिसाब से 5,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करके अगर आपको एक पावरफुल येट एलिगेंट डिवाइस मिलता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस फ्लैगशिप डिवाइस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट मिलता है, साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है एंड लास्टली 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। मतलब फुल पैकेज है ये फोन। तो अगर आप एक फुल ऑन पैकेज चाहते हो, वो भी अगर यू नो 45 से 50,000 के बीच में, देन iQOO 90 ले लो। Make some noise for OnePlus 10T. ऑलमोस्ट एक साल बाद OnePlus ने T सीरीज में कोई फोन लॉन्च किया है, इसी के साथ उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया अपनी खोई हुई आइडेंटिटी वापस लाने की। स्पेक्स वाइज तो ये बिल्कुल iQOO 90 जैसा ही है, लेकिन एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सॉफ्टवेयर। यस, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 12 मिलता है जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सॉफ्टवेयर है एंड आज भी लोगों में मैंने इसका क्रेज देखा है। इसकी जो प्राइस है वो 50,000 रुपए है एंड स्पेक्स वाइज आपको 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट है, क्वाड कैमरा सेटअप है जहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड लास्टली 150 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो बताओ ये पिक्सल 6 ए के सामने एक अच्छी डील है या नहीं, कमेंट करके बताओ फटाफट। तब तक मैं आपको हमारा लास्ट एंड फिफ्थ ऑप्शन बताती हूं।
गूगल पिक्सल 6a का प्राइस देखकर काफी लोगों ने ये कहा कि इससे अच्छा मैं आईफोन ना ले लूं। बिल्कुल ले सकते हो। आईफोन 13 मिनी जिसकी प्राइस वैसे तो 70,000 है, लेकिन बैंक ऑफर्स एंड एक्सचेंज ऑफर्स लगाकर आपको कुछ 50,000 तक पड़ेगा। स्पेक्स वाइज आपको A15 बायोनिक चिप मिलता है, 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सिस्टम मिलता है एंड ऑल्सो एक कॉम्पैक्ट बॉडी मिलता है। ये फोन उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिन्हें एंड्रॉयड फोन्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, और गूगल पिक्सल 6a ने भी आपका दिल तोड़ दिया तो आपके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है iPhone। Yes, now it's your choice कि आप कौन सा लेना चाहोगे। 43,000 में iPhone SE 2022 लेना चाहोगे या फिर थोड़ा ज़्यादा spend कर आप iPhone 13 mini लेना चाहोगे। देखो मैंने बहुत सारे options दे दिए यार, अब आपको आपका काम है comment करके मुझे बताओ कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहोगे Pixel 6a के बदले। मिलते हैं अगले वीडियो में, till then bye bye।